Good morning, students. Good morning, students. We are just going to proceed with chapter number 2. Chapter 1 हमारा finish हो चुका है. और chapter 1 आप notebook में complete करके अपना school में आकर chapter 1 दोस्तों आपने क्लास सेवेंथ में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है तो मुझे ज्यादा पता नहीं चलता है कि ये इक्वेशन कैसे बनती है और कैसा होता है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलेंगे क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 अब देखिए जब 3 है यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे एड बोथ साइड बाय 3 2x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो गया टू एक्स प्लस टू अब हमारा यहाँ पर टू क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है अगर यहाँ पर हमारा माइनस हो इधर तो ऐड करेंगे अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेंगे और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई ऑपोजिट both sides by 2 this is your answer here is our answer solution. अब देखिए
फाइव पॉइंट भी यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमने लिखा एक्स अपॉन बी प्लस फाइव अपॉन टू इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन टू हमारा कितना आया माइनस 12 आया ओके Thank you.
परंतु देख सा है कितना है माइनस थ्री कॉस इक्वेशन हमारी क्या है थ्री अपॉन फोर माइनस सेवन एक्स इक्वल टू नाइन। एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे माइनस थ्री अपॉन फोर हमने लिखा है तरीके से हमारा आंसर आएगा।